हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए रजा फोटोग्राफी एंड टेक्निकल चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और अपने बेल आइकन को दबा लो सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें कबूतर का बेबी सुस्त नहीं है, दुर्बल है, वीक हो गया है, उसको हैंड फीड करना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ हम खिलाते हैं जिससे कबूतर का बेबी बढ़िया रहता है, ठीक रहेगा, दिखाते हैं। देखो, ये है कबूतर का बेबी को खिलाने के लिए। एक आप सिंच ले लो 50 ml का और उसमें एक ट्यूब लगा लो जो नरम होना चाहिए, इससे क्या होता है बेबी को लगता नहीं है, ठीक है। और ये है दूध है जिसमें अब थोड़ा पानी मिला दो गर्म करके, और इसमें जो लैक्टोजेन होता है या सेरोलैक्स होता है, सेरोलैक्स ही मिक्स करो, ठीक है। और ये रहा आपका छोला चना। ये तीनों चीज़ अगर आप बेबी को खिलाओगे तो बेबी का हेल्थ जो है वो सुस्त हो जाएगा, और हम वही करने वाले हैं क्योंकि 2-3 बेबी जो है वो अभी सुस्त नहीं है, जो धाड़ी उसे ठीक ठाक खिला नहीं पा रहा है। इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि आप भी अगर इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं या इस प्रॉब्लम का दिक्कत हो रहा है आपको, तो आप भी उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सिरिंज में भर चुका हूँ जो आपको दिखा रहा था दूध, ठीक है। इसको मैं उसको खिला देंगे बेबी को। पहले हम छोला खिलाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद ये दूध खिलाएंगे, ठीक है। ठीक है, हम पहले छोला खिलाते हैं, देख लो कैसे खिलाते हैं पकड़ के, ठीक है। एक साथ 5-6 या 4-5 करके दो, दिक्कत नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, छोड़ना, छोड़ो छोड़ो, तो वो भी खा लेगा। 10-12 खिला दो, ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा पानी और दूध तो खिलाएंगे, बस ये हो गया उसका छोरा। अभी हम दूध खिलाएंगे, ये पूरा पाइप अंदर डाल दिया, छोड़ दो आप, अरे से पुश कर दो। हाँ, हो गया बेबी को फिट करना, ठीक है। ऐसे खिलाओगे तो बेबी सुस्त हो जाएगा, करेंगे और भी बच्चा है सबको फिट करेंगे, ठीक है। तो सारा वीडियो हम दिखा नहीं पाएंगे, बाद में दिखाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वीडियो करने में। ये जैक है, ये जैक बेबी है, इसको भी फिट करेंगे। एक सेट का बच्चा है और एक भी है, एक बच्चा उधर है, इसको भी फिट करेंगे एक साथ।